आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी में अनुपात और समानुपात। इसमें एक एक विधि से उस दिन भी पढ़ा था, लेकिन कुछ प्रश्न रह गए थे। वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए वो निकालते हैं, वह जो है एक एक विधि कहलाती है। जैसे देखिए, एक प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो इस प्रश्न में यह रहेगा कि 1.5 जो है इसको हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो हम ये लिखेंगे कि 200 चूंकि 5 लीटर पेट्रोल में 5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होती है बराबर 220 किलोमीटर किमी। अब एक ही नियम का आधार है कि अब इतने 5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होती है 220 किलोमीटर, 1 लीटर में कितनी दूरी तय होगी, तो इसके लिए हमें 1 निकालना। इसलिए अब इसी को कहते हैं एक नियम, यानी अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है, 1 का ज्ञात करना, तो यही एक ही नियम है। तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होगी बराबर 220 किलोमीटर बटे भाग 5 लीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 1.5 लीटर में यह दूरी कितनी तय करेगी, इसलिए 1.5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय होगी बराबर, जैसे यहां लिख देंगे 220 वही का वही किमी बटे 5 लीटर गुणा 1.5 लीटर, तो ये 1.5 लीटर ये लिख देती है। तो 1.5 ये जो राशि है इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव है, तो दशमलव को हटाना चाहिए। एक अंक के आगे दशमलव लगा हुआ है, तो बटे 10 कर दीजिए। जैसे देखिए 220 बटे 5 गुणा 1.5 है, इसको 1.5 है, तो 1.5 के बाद में अंक बटे 10 कर दीजिए। अब जो है इसको सरल कीजिए, काटिए जिसमें भाग जाता। जैसे देखिए यह जो है एक बिंदी चली गई, अब 5 एकम 5 5 3 15, अब अंत हर में जो है बचा है 1 1, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। और 22 अंश जो है 22 गुणा 3, ये दोनों ही अंश बचे हैं, तो 22 3 66 किलोमीटर। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो कार है चाहे गाड़ी है वो जो है 1.5 यानी 1.5 लीटर में 66 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसी प्रकार से एक प्रश्न है, एकता 10 दिन में 3,000 रुपए अर्जित करती है, तो 30 दिनों में अर्जित कितना धन जो है वो करेगी, तो यही है। इसको जल्दी से कर लेते हैं, तो ये देखिए 10 दिनों में धन अर्जित करती है, या 3,000 रुपए जो है 10 दिनों में अर्जित करती है 3,000 रुपए, ठीक है। इसलिए एक दिन में अर्जित करेगी 3,000 बटे 10 रुपए। अब जो हम बताएंगे कि यह जो है 30 दिनों में यह धन जो है एकता कितना अर्जित करती है, तो वही होगा
3000/10 गुणा 30 दिन, तो यहां देखिए 1000/10, तो यह देखिए तो यह 0 से 0 चला गया। अब जो है 300 × 30, 30 को 0 से गुणा किया 0, 30 को पुनः 0 से गुणा किया 0, 30 दिया 90। ये इस प्रकार से जो है 30 दिया 90 कहने का अर्थ है 9000 रुपए जो है अर्जित करेगी एकता, जो है 30 दिनों में 9000 रुपए अर्जित करेंगे। इस प्रकार से आगे जो प्रश्न है उनको सरल करना।